तो हेलो गाइस, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लेकर आए थे न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में भाई हम फिर से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट हीरो पर MSMP। भाई लास्ट टाइम हमने भाई अपना एक विलेजर टाउन हॉल बनाया था, वो पीछे की साइड हुआ भाई, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। विलेजर भी मैंने डाल दिया भाई सब में, एक 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 दो डाल दिए थे। उसके बाद उन्हें पोटैटो वगैरह खिला के काफ़ी ज़्यादा कर दिया भाई मैंने उन्हें। आधे भाई सेम उसी चीज़ के और आधे भाई अलग अलग घूम रहे। तो आज भाई हमें नजर आ रहा है अनलिमिटेड फ्यूल फार्म। भाई भाई देखो, एक टाइम के लिए ये स्टोन वगैरह तो मिल जाएगा, पर कोयल ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है भाई, वो भी स्टैक के स्टैक। तो इसलिए हम एक फ्यूल फार्म बनाने जा रहे हैं जो अनलिमिटेड होगा और जिससे हमें इन्फिनाइट होगा भाई, हमें मिलते रहेंगे भाई उससे। तो सबसे बेस्ट सोर्स है भाई ये कैल्प का ब्लॉक होता है, वो कर लेते हैं। पहले मैं सामान वगैरह ले आया हूँ, इसको मैं यहाँ पर बैरल में डाल देता हूँ। भाई मैंने काफ़ी सारा बना लिया है क्योंकि आगे भी एक दो फार्म बनेंगे तो उनमें भी काम आएगा, तो मैं इनको फटाफट से रख देता हूँ। और यहाँ पर मैंने जगह क्लियर किया, उस पर बनाएंगे भाई। ये रख दो आयरन हॉपर वगैरह, चाहिए ग्लास भाई? अभी फ़िलहाल के लिए ग्लास चाहिए तो है नहीं, तो चलते हैं। और यहाँ पर मैंने जगह चाहिए के इसमें आ जाएगा। तो पहले मैं यहाँ पर 4 ब्लॉक ऊपर चलता हूँ भाई, इसको तोड़ो पहले। अब यहाँ से 4 ब्लॉक ऊपर चलते हैं भाई, 2 ब्लॉक तो मैं ऊपर आ चुका हूँ और अभी 2 ब्लॉक और चलते हैं। रुको भाई, मैं ये माप रहा हूँ, ये काफ़ी जगह है भाई, काफ़ी एरिया है। तो चलते हैं ऊपर थोड़ा सा, 1 ब्लॉक और एक और भाई बस। अभी यहाँ पर हमें एक स्टोन लगाना है, स्टोन मैंने निकाल ली। और यहाँ पर स्टोन लगाना है हमको कुछ ऐसे, एक ही लगाना है भाई। और अब नीचे चलते हैं और अब इसको साइडों से भाई ऐसे कर देना है भाई, 3 इधर को करना है, 3 इस साइड को करना है भाई, 1 2 3, हाँ भाई 3 ही है। और अभी 3 इस साइड को करना है, 1 2 और यहाँ पर 3 भाई। ये बाकी इसको अब ऊपर की तरफ भाई, मैंने ऊपर यहाँ पर 6x3 का एक अपना लिया। और अभी यहाँ पर से ऐसे इसको स्टोन लगा देते हैं, इसको बाहर से भी कवर कर देते हैं। और यहाँ पर भी स्टोन लगा देता हूँ फटाफट से मैं, ये लग गया। और अभी भाई यहाँ से तोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो भाई होपर्स वगैरह आएंगे और इस साइड तो डर्ट आएगी, इसको भी तोड़ना पड़ेगा। पहले होपर लगाना, फिर रुको, होपर लगाने के लिए मेरे को नीचे कुछ लगाना पड़ेगा। तो फटाफट से यहाँ पर 1 ब्लॉक लगा देते, बाद में चेस्ट लगाएंगे भाई। और अब इसके सारे होपर इसके अंदर कनेक्ट होने चाहिए भाई, ऐसे इसके तरफ लगाएंगे। और भाई बैठ कर लगाना है हमें, खड़ा होकर नहीं, वरना ये होपर भाई दिखाने लग जाएगा, अंदर का शो होने लग जाएगा, होपर के खुल जाएगा ये। और अभी यहाँ पर मैंने ये लगा दिया भाई। और अभी इस साइड भाई अभी डर्ट लगानी पड़ेगी मेरे को, तो मैं डर्ट लगाता हूँ फटाफट से। तो भाई पहले नीचे चलते हैं फटाफट से। और भाई क्योंकि एक ऊपर भाई गलत है, मैंने अभी चेक करके देखा तो एक ऊपर गलत है। और यहाँ से भाई ग्लास वगैरह भी लेना था मेरे को, पिस्टन लेने हैं, अभी इन्हीं का काम है। और ये ग्लास वगैरह भी लेके चलता हूँ मैं ऊपर। अब चलते हैं भाई। और भाई ये ऊपर देख रहे हो, एक ऊपर भाई ये गलत लगा हुआ है। चलो कोई नहीं, मैंने उसको सीधा कर दिया। अब यहाँ पर डर्ट लगा देते हैं फटाफट से। और भाई अब एक ज़्यादा लग गई, ये हो गया। अब भाई हमें कुछ नहीं करना, अब इनके जस्ट ऊपर भाई एक कोबलस्टोन के ऊपर हमें पिस्टन लगाने, पिस्टन में निकाल लेता हूँ अपने। और भाई ऑब्जर्वर भी निकाल लेता हूँ और ये भी चीज़ें भी निकाल लेता हूँ। ऐसे कुछ मैंने पिस्टन को सेटअप करना है, ऐसे भाई पिस्टन लग जाएंगे। अब पिस्टन के भाई पीछे से ही हमें प्लैंक्स लगाने हैं, अभी यहाँ से थोड़ी लगेंगे ये। रुको भाई, ये मैंने गलत लगा दिया, मैं भाई कुछ चेक कर रहा था और इसके चक्कर में ये लग गया। और अभी पीछे से चलते हैं भाई, इसके पीछे प्लैंक लगाएंगे ऐसे कुछ इस तरीके से। अब फटाफट से ऊपर चलते हैं, सबके पीछे लगा देते हैं। और भाई देख पर ये लग चुका है यहाँ पर। अभी भाई यहाँ पर ऐसे ऑब्जर्वर लगा देने हैं भाई, हमको याद रखना है ये जो रेड वाली बत्ती है भाई ऑब्जर्व की, ये पीछे की साइड हो भाई फार्म के, पीछे की साइड हो, आगे की साइड ना हो। फिर इसके बिना अगर ये आगे की साइड हो तो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा भाई वो। अभी ये हो गया भाई, अभी मैं चला के दिखाता हूँ आपको, इसके सामने अगर मैं ये लगाऊंगा तो भाई चलने लगा। ये मैंने ऑब्जर्व लगा दिया, लगातार काम कर रहा है, अब बंद हो गया भाई ये। बस अभी इसको हमें ग्लास से कवर करना है भाई चारों साइड से। पहले फटाफट से ग्लास से कवर करता हूँ भाई मैं इसको, ग्लास निकाल देते हैं भाई और इसको कवर करना शुरू करते हैं भाई। भाई आराम से करना पड़ेगा, कभी नीचे गिर जाऊँ भाई। ये देखा भाई, अभी इस साइड से फटाफट से कर देते हैं।
अभी फटाफट से कवर कर देता हूँ मैं इसको चारों साइड से। पानी लेने गया था नीचे और भाई एक बाकेट तो मैंने डाल रखी है यहाँ पर, और थोड़ी सी लेने गया था मैंने, चार साइड से इसको कवर तो कर दिया। बस हमें यहाँ पर ऐसे वाटर लगा देना भाई, अभी यहाँ नहीं रुको, यहाँ पर लगाना होगा। एक वाटर बकेट और निकाल लेता हूँ मैं, काफ़ी सारी वाटर बकेट भर के लाया हूँ भाई मैं। कभी कभी बार ये होता है कि भाई यहाँ पर से पानी मिलता भी नहीं है ना। ये देखो भाई नीचे वो डिटेक्ट कर रहा है पिस्टन, अगर मैंने यहाँ पर लगाया तो देखो भाई नीचे डिटेक्ट हो रहा है। अब कुछ नहीं करना, फटाफट से क्राफ्टिंग टेबल निकालनी है, इसमें से भाई हमें भाई वो बनाने पड़ेंगे, अभी क्या कहते हैं उनको, क्या चीज़ है भाई ये, इसका क्या नाम है, पहले स्टिकर बना लेता हूँ थोड़ी सी। अभी ये भाई ओक साइन बोर्ड, भाई साइन बोर्ड बनाने पड़ेंगे भाई, फटाफट से साइन बोर्ड लगाने हैं। अभी साइन बोर्ड दिखाता हूँ भाई मेरे को आपको कैसे लगाने हैं। ये भाई नीचे से लगाता हूँ मैं, वहाँ से बिल्कुल नीचे वाले ब्लॉक पर नहीं लगाने भाई, जिस पर ऊपर है वहाँ पर नहीं लगाना, ऊपर उससे एक ब्लॉक छोड़ के लगाना है भाई, मतलब एक ब्लॉक ऊपर से लगाना शुरू कर दो। ये तो मैंने लगा दिया यहाँ पर भाई, ऊपर वाले पर, नीचे वाले पर, ये भाई बिल्कुल ठीक हो गया। अभी रुक जो, नीचे चलना पड़ेगा, ज़्यादा नीचे इस वाले ब्लॉक पर भी लगाना है भाई। देखो ऊपर से जस्ट ऊपर वाले ब्लॉक से शुरू कर दिया हमने ये लगाना। तो भाई आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और भाई अपने भाई को थोड़ा सपोर्ट करें भाई, भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर कर जो जो माइनक्राफ्ट खेलते हैं। ये लग चुका है भाई, अब हमें बस कुछ नहीं करना, अब इसके ऊपर नीचे से कैल्प लगाना शुरू करना भाई। ऊपर जाके लगा देता हूँ मैं कैल्प, निकाल लेता हूँ अब भाई ये रही कैल्प। और भाई इससे पहले थोड़ा सा बोन बिल मिला लेते हैं, बोन से अभी कैल्प लगाते हैं भाई चारों साइड से, 1, 2, 3, 4 और 5 भाई ये फार्म होने वाला है हमें भाई। अगर एक बार में टूटेगा तो मतलब 5 से मिलेंगी भाई। देख रहे हो पिस्टन कैसे भाई डिटेक्ट कर रहे हैं, ये भाई देखो जरा से उसके सामने कुछ है, साथ के साथ तोड़े जा रहे हैं भाई। अब ये तो हो गया भाई, अब वो डायरेक्ट उसके अंदर भी जा रहे हैं भाई। अब ऐसे मेरे को 3-4 फ्लोर बनाने पड़ेंगे इसके, 4 फ्लोर तो भाई मैक्सिमम बना ही दूंगा मैं इसके, और ऐसे ही अभी ऊपर की तरफ करता हूँ मैं इसको। तो भाई आगे ऊपर की तरफ बनाना शुरू करते हैं। अभी क्राफ्टिंग टेबल ले लेता हूँ मैं अपना, और यहाँ से ग्लास निकालते हैं भाई। ऊपर का जस्ट मैं दिखा देता हूँ आपको कैसे बनेंगे, फिर उसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो कट कर दूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी भाई वीडियो। रुको पहले ये मैं निकाल देता हूँ भाई, क्या करना है इसका, वो जाके ऊपर में से गिर जाएगी भाई क्योंकि सामान ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर पहले। अभी भाई यहाँ से ग्लास निकाल लेता हूँ मैं भाई, देख रहे हो कितना सामान हो रहा है, डर्ट भी चाहिए ग्लास भी चाहिए भाई, ये निकाल ली दोनों चीज़ें। पहले तो भाई ग्लास लगाने पड़ेंगे ऐसे ताकि कोई भी सामान उछल के ऊपर की तरफ ना आए, और अब इसके जस्ट ऊपर से हमें अब डर्ट लगानी शुरू करनी है। पहले उस साइड चलते हैं भाई, इसको तो कवर नहीं करना भाई, यहाँ पे ग्लास तोड़ देता हूँ इसको, और इस साइड से भी एक लगा देते हैं। अब यहाँ पर भाई डर्ट लगानी है हमें ऐसे कुछ ऐसे, और इसके पीछे भी भाई जैसे नीचे गया था। अभी रुको यहाँ से मैंने कोबल स्टोन की निकालनी पड़ेगी, पहले ग्लास लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे को पहले एक ग्लास लगाना है, ये सही लग चुका है। अभी यहाँ पर एक ग्लास लगाना है, और यहाँ से भाई कोबल स्टोन लगाना शुरू करते हैं फटाफट से। यहाँ पर से एक कोबल स्टोन, यहाँ पर 2, 3 और 4, 5 कोबल स्टोन लगेंगे भाई, 4 और 5 भाई 5 हो गए। अब बस भाई इसके ऊपर पिस्टन लगाने, पिस्टन निकाल लेता हूँ मैं फटाफट से, पिस्टन निकाल लेते हैं और ऑब्जर्वर भी निकाल ही लेते हैं भाई, और प्लैक्स भी निकाल ही लेता हूँ भाई, सब चीज़ें लगेंगी। ये आ गए भाई हमारे पिस्टन, फटाफट से इसको लगा देते हैं। अब चलते हैं भाई ऊपर, और इसके पीछे लगाते हैं, जस्ट पीछे से लगाते हैं वैसे ही प्लैक्स भाई, लग जा अभी देख रहे पूरे लगाए ना, हाँ भाई पूरे लगाए हैं। फिर इसके ऊपर चलते हैं भाई, नीचे ना गिर जाओ कभी, वरना फिर ऊपर से आएगा भाई, वो देख रहे हो विलेजर भाई, अबे तुम आयरन गोलम स्पॉन करते रहो भाई। वो यहाँ से भाई कितना ऊँचा आ चुका हूँ मैं, अभी फटाफट से रेड स्टोन निकाल लेते हैं भाई, वो रेड स्टोन यहाँ पर लगाना है, ऐसे शुरू करना है। और अभी वैसे ही सही सीन, अभी यहाँ से खींचेंगे भाई, नीचे से ग्लास लगाएंगे, और फटाफट से मैं ग्लास से कवर कर देता हूँ। तो ऑल डन भाई, बन चुका है भाई, ये देख रहे हो ये हो चुका है पूरा। और अभी बस, अभी ये कहाँ लग गया, ये डिटेक्ट क्यों नहीं किया भाई इसने, रुको देख अभी चल रहा है, नीचे लग गया था शायद से, अब चल रहा है भाई। अभी बस कुछ नहीं करना, साइन बोर्ड निकालने हैं, पहले ही लगा देता हूँ साइन बोर्ड। अब भाई जस्ट नीचे से लगाने शुरू करने हैं क्योंकि नीचे वाले में तो वो था ना पानी था,
अभी यहीं से जाएंगे बार बार होपर तो लगाएंगे नहीं हम। अभी यहाँ से कोई होगा सीधा नीचे जाएगा भाई, वो इस साइड लगा देते हैं। अब पाए नहीं साइन बोर्ड की वजह से नीचे की तरफ नहीं जाएगा। अभी और बना लेता हूँ भाई मैं, क्राफ्टिंग टेबल निकालता हूँ फटाफट से, साइन बोर्ड और बनाते हैं भाई। रात और अलग से हो चुकी है भाई, कहाँ पर गए साइन बोर्ड? 75 बना सकते हैं भाई, दो स्टैक बना लेते हैं, 16 16 के स्टैक बनते हैं भाई, ये ज़्यादा ही बन गए भाई। चलो कोई बात नहीं, काम आ जाएंगे भाई, क्योंकि अभी अबे यार इस पर थोड़ी लगाना था, तो तोड़ना पड़ेगा अब इसको भी, हाथ से तोड़ना पड़ेगा अब, क्योंकि एक्स तो भाई मेरे पास अंदर पड़ी, कौन खोलेगा भाई बैग, छोड़ो। अब फटाफट से तोड़ दिया, अभी यहाँ पर एक लगेगा नहीं लगेगा भाई, लगेगा नहीं, नहीं लगेगा भाई, नहीं लगेगा, यहाँ पर लग नहीं रहा, मैंने लगा के देख लिया। अब यहाँ पर से ऊपर की तरफ ऐसे लगाएंगे, अबे यार ये छोड़ो ना, ये कैसे बार बार भाई साइन बोर्ड का जी भी है यार, ये बार बार ये ऐसे करता है ना। अब ऊपर की तरफ ये लगाएंगे, देखो भाई लग चुका है भाई, और बस अभी एक ऊपर की तरफ भी लगाना पड़ेगा भाई, क्योंकि पानी ज़्यादा ऊपर ना जाए। फिर कैसे लगेंगे और एक कैसे भाई, हो गया पूरा। अब भाई ऊपर जाना है मेरे को, और ऊपर यहाँ से जाना पड़ेगा। अभी अबे धक्का मार दिया, धक्का बच गया भाई, नीचे गिर रहे थे भाई ये तो मेरे को। अब फटाफट से पानी और कैल्प लगाता हूँ मैं इसमें, और भाई बोन मिल है मेरे पास, कैल्प भी है, और पानी फटाफट से इनमें डालता जाता हूँ भाई मैं आगे की तरफ से। भाई नीचे देख रहे हो भाई, कितने सारे भाई आ चुके हैं ज़ॉम्बीज वगैरह। हो गया भाई, भाई हो चुका है, बस फटाफट से कैल्प लगाते हैं इनमें। तो भाई कैल्प फटाफट से यहाँ पर लगा देता हूँ मैं इनमें, यहाँ पर नीचे की तरफ, और फटाफट से इसमें बोन मील मार देंगे। और भाई यहाँ पर ये वाला तो हो गया, ये वाला भी हो गया, ये दो रह गया। चलो भाई कोई बात नहीं, अपने आप बड़े होते चल जाएंगे, फिर अपने आप ऊपरते चले जाएंगे भाई। यहाँ पर मैं लगा दूंगा, और भाई अभी मेरे को इनका स्केलेटन वगैरह को मार के बोन मिल इकट्ठा करना पड़ेगा, नेदर में कौन जाएगा भाई। अभी जा तो सकता हूँ, लेकिन भाई वहाँ से वो जो सब बायोम होता है ना भाई, सोल सैंड वाला, वो थोड़ा सा दूर है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इनको इकट्ठा मार लेता हूँ, काफ़ी सारे कर लेता हूँ, और इसको मैं 3-4 फ्लोर खींच के मिलता हूँ आपको भाई। तो जस्ट फिर नीचे नीचे काम रह रहा है ना भाई, अभी नीचे का कंप्लीट नहीं हुआ था, तो फटाफट से मैं इनको करके मिलता हूँ आपको। तो भाई मैंने यहाँ पर 3-4 फ्लोर बना दिए इसके, हाँ 4 ही है ना भाई, 4 बना दिए, और यहाँ पर हो चुके हैं भाई 2 भाई, 2 दिन लग गए इसमें माइनक्राफ्ट असली के नहीं भाई, माइनक्राफ्ट वाले दिन, अभी सोचो भाई असली ही 2 दिन लग गए, बनाओ भी ना इसको, आसान है भाई, फार्म आप बना सकते हो। और देख रहे हो यहाँ पर रात होने वाली है भाई, तो भाई फटाफट से चलते हैं नीचे, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ था, मैं बना रहा था भाई ये, तो ये पूरा हो चुका है, फटाफट से नीचे चलते हैं भाई। ये देखो भाई कितना प्यारा है यहाँ से, वो ऊपर एक छोटा सा प्यारा सा घर भी है हमारा भाई, वहाँ पर मेंबर रहता है एक, और ये हमारा बड़ा सा घर है भाई। और फटाफट से नीचे, अबे वाटर बकेट भाई लगता है, अबे तू तू कैसे बच गया भाई, दिन हो रहा है, अबे जलेगा ना, चल जा निकल भाई यहाँ से, निकल चल निकल यहाँ से। तो भाई फटाफट से ये तोड़ देता हूँ मैं, और यहाँ पर मैं यार वहाँ से गिरा था ना, अबे यार ये भाई स्केल्टन भाई इतनी दूर मारा मैंने, फिर भी भाई मार रहा उछल उछल के। अबे मैं बाबूजी ज्वाइन द गेम, बाबूजी ज्वाइन हुए हैं भाई गेम में। तो भाई मैंने यहाँ पर ये शीशे लगाना है भाई यहाँ पर, चलिए लगा दूंगा मैं भाई, नीचे का काम शुरू करते हैं फटाफट से। ऐसे नीचे कोई भी टेम्प्रेरी ब्रोक ले लो, उससे भाई ऊपर से थोड़ा सा पीछे पीछे की तरफ से टेम्प्रेरी ब्रोक ले लो, और उसके जस्ट नीचे भाई एक चेस्ट लगानी होगी, चेस्ट का पूरा एक स्टैक बना रखे तुम्हारे भाई ने, क्योंकि भाई अबे यार बना तो रखे लेकिन लगा गलत थी भाई, यहाँ लगेगी ये लग गई, और इसके भाई जस्ट नीचे बस भाई ये लगा दिया। अब इसके नीचे भाई होपर यहाँ पर लगाना है, और अभी इसके ऊपर भाई हमें वो लगानी पड़ेगी भाई, ये मैंने यहाँ पर फर्नेस लगा दिया। अबे यार रेडस्टोन नहीं लगाना, होपर लगाना है यहाँ पर, ये होपर लग चुका है भाई, और इसके अंदर भाई अबे आ क्यों नहीं रहे वो, अच्छा मेरे पास पड़े हैं भाई ये, रुको ऊपर चेस्ट में से डालते हैं, सबसे ऊपर ही डालते हैं भाई। अबे यार ये भाई सर्वर में से रेंज जा रही है भाई, ये सर्वर में से रेंज गई हुई है भाई। अभी रुको भाई फटाफट से देख के आता हूँ मैं अपने नेटवर्क को, अभी देखता भाई ये खुलेगा ओपन होगा या नहीं, रुको भाई अभी नेटवर्क नहीं आ रहा पता नहीं क्यों, चलो कोई बात नहीं।
थोड़ी देर वेट करते हैं भाई। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और अपने भाई को भाई थोड़ा सा प्यार करें, प्यारे से कमेंट कर दें भाई, हम भी खुश हो जाएंगे भाई। और अपने भाई सर्वाइवल वर्ल्ड में ज़रूर बनाना भाई इस फार्म को। और भाई अभी हो जाए यार ओपन, भाई ओपन क्यों नहीं हो रहा है? अभी हो गया हो गया हो गया हो गया भाई, हो गया हो गया, ठीक हुआ भाई सर्वर में से, पता नहीं क्यों यार रेंज चली गई थी। तो अब फटाफट से अबे मैं बाबूजी गेम लेफ्ट हो गया भाई, लगता है सबकी गई थी भाई, सर्वर लैग हुआ था। रुको भाई, अबे किसी में भी कुछ नहीं है, अभी इसके अंदर आ गया आ गया, अभी इसके अंदर रख देता हूँ ना, अभी ये वाला स्टैग हम ऊपर डाल देते हैं ऐसे। मैं वही तो कह रहा, मैंने सारे लिए तो नहीं थे। अभी हो गया भाई, फटाफट से इसमें आने शुरू हो गया। अब कुछ नहीं करना भाई, यहाँ पर एक चेस्ट रखेंगे ऐसे। रुको भाई, पहले एक चेस्ट रखने ऐसे, डबल चेस्ट रख दी, और इसके नीचे जस्ट होप लगा देंगे भाई ऐसे। अबे यार ये भी गलत लग गया भाई, ये सर्वर में ना कभी कुछ होता रहता है, कभी कुछ होता रहता है। अब इसके नीचे जस्ट ऐसे रख देंगे भाई, ये सर चेस्ट से कनेक्टेड है। बस भाई हो चुका है हमारा फार्म रेडी, यहाँ पर देख रहे हो भाई। अब फटाफट से अभी इसके अंदर थोड़ी कुछ आएगा, रुको जलाने के लिए भी चाहिए। अभी इसके अंदर डालता हूँ मैं भाई, बाकी देख रहे हो कितना प्यारा बना है भाई हमारा फार्म। बाकी इसका थोड़ा बहुत और कर देंगे, सजावट वगैरह कर देंगे इसकी भाई। यहाँ पर फटाफट से प्लैंक्स ही डाल देता हूँ मैं यहाँ पर भाई, पहले एक स्टैक इसका बन जाए ना, 9 कैल्प निकल जाए भाई, 1.5 कैल्प निकल जाए। देख रहे हो भाई 4 फ्लोर बनाया तुम्हारे भाई ने इसके, ये 2-3 और ये 4 चौथे वाला। अभी और ऊपर खींच सकता हूँ फ्यूचर में मैं इसको, लेकिन मेरे को नहीं लगता इससे ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी भाई। ये भाई सिर्फ आधा घंटा AFK खड़ना है और उसके बाद देख लो भाई स्टैक के स्टैक यहाँ पर हो जाएंगे। 2 तो हो भी गए भाई, एक स्टैक वैसे ही और पड़ा है। वो पैसे भाई मैंने चीटिंग करके मतलब बोन मिल कर करके लिया वो एक स्टैक, क्योंकि मैं मारता गया बोन मिल जितना पड़ा था मैंने सारा मार दिया, वो हो गया। बाकी भाई ये फ्यूचर में जितनी देर हम गेम खेलेंगे उतनी देर भाई बनाता रहेगा भाई। 1 मिनट के अंदर 2 से 3 तो आ ही रहे हैं भाई, क्योंकि भाई 4 फ्लोर है, 4 फ्लोरों में 1 ना 2 तो टूट ही रहे हैं भाई लगातार। और देख रहे हो भाई यहाँ पर फटाफट से होने लग रहा है। तो आप वीडियो को लाइक कर देना चैनल गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं इसको तो चलता ही रहेगा ये, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।